डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिक्त समुच्चय, द एम्प्टी सेट। नेम से क्लियर है, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में कहा जाता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट, सभी का मीन एक ही है। क्या? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, यानी जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? शून्य हो। तो रिक्त समुच्चय को किससे दर्शाया जाता है? रिक्त समुच्चय को हम दर्शाते हैं फाई से, या ये साइन होता है किसका? फाई। इस साइन को बोलते हैं फाई, फाई यानी रिक्त समुच्चय, या इस तरह से ब्रैकेट एम्प्टी शो कर देते हैं, खाली ब्रैकेट दिखा देते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय का प्रतीक क्या है? या तो फाई, फाई का अर्थ रिक्त समुच्चय, या इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट शो कर दो। इट मीन ये वो समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो ऐसे कौन से समुच्चय होते हैं जो रिक्त हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए, जैसे देखिए समुच्चय ए, समुच्चय ए के अवयव जो है वो है एक्स। एक्स क्या है? x एक से बड़ा है लेकिन दो से छोटा है, यानी x एक से दो के मध्य एक संख्या है, एक से दो के मध्य की एक संख्या है x, और x प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, आपको पता है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, ये कॉन्टिन्यूस, ये प्राकृत संख्याएं होती है। ये कॉन्टिन्यूस, ये क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। तो देखिए, इनमें एक से दो के मध्य की प्राकृत संख्या कौन सी दिख रही है आपको? एक से दो के मध्य कोई प्राकृत संख्या है? नहीं। ये कह रहा है ए समुच्चय, ए समुच्चय के अवयव है एक्स। एक्स क्या है? एक से दो के मध्य। चलो एक से दो के मध्य तो एक से एक बटा दो भी होता है, और भी बहुत संख्याएं होती है, बट इसने कहा एक्स एक प्राकृत संख्या है, तो एक से दो के मध्य प्राकृत संख्या तो कोई है ही नहीं। यानी कि ए समुच्चय जो है उसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी वो क्या रह गया? वो रह गया खाली, रिक्त रह गया। तो ए समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय। इसे ऐसे फाई से भी दर्शा सकते हो। देखिए बी, बी को देखते हैं। बी क्या है? बी के सभी अवयव जो हैं वो है एक्स। बी के जो अवयव हैं सभी वो हैं एक्स। एक्स क्या है? एक्स का मान कहां से निकालेंगे? एक समीकरण दे रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 = 0, इससे एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लो, वो बी के अवयव हैं। इसने कहा है एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का अर्थ परिमेय संख्या है, एक्स एक परिमेय संख्या है। एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड करो और वो वैल्यू आप एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे जो कि परिमेय हो। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 = 0 से एक्स का मान क्या निकलता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 = 0, एक्स स्क्वायर बराबर क्या? 2। एक्स बराबर क्या आया? प्लस माइनस √2। एक्स के दो मान आ गए, प्लस √2 और माइनस √2, बट दोनों ही अपरिमेय है। आपको पता है √2 एक परिमेय संख्या नहीं होती। इसने कहा है एक्स, इसके सभी अवयव एक्स है और एक्स का मान यहां से निकालोगे, बट एक्स परिमेय होना चाहिए। एक्स की दो वैल्यू हुई है, दो माना है, दोनों ही परिमेय नहीं है। तो इसका अर्थ बी समुच्चय में अवयव क्या है? बी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। बी समुच्चय क्या रह गया? रिक्त रह गया, खाली रह गया। यानी बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी फाई, रिक्त रह गया, इसमें एक भी अवयव नहीं है। एक्स के दो मान तो निकले, बट इसकी कंडीशन है कि समुच्चय में क्या एक्स होना चाहिए? एक परिमेय संख्या। एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है, जैसे एन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, उसी तरह से क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय को व्यक्त करता है। अब देखिए सी समुच्चय, सी समुच्चय के अवयव है एक्स। एक्स क्या है? देखिए सी समुच्चय में देखते हैं कौन कौन से अवयव है। आपको तो एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है ना, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसे रोस्टर पद्धति में लाइए और इसके अवयव लिखिए इस समुच्चय में कौन कौन से। तो देखते हैं कौन से। x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, है ना।
तो दो से अधिक अभाज्य संख्या हो लेकिन वो सम हो, है कोई? हमें पता है दो ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या और वो सम हो, ठीक, सम अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य है वो भी सम, तो ऐसी संख्या केवल दो ही है, दो से अधिक कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि सम है और अभाज्य है। तो इसका अर्थ ये समुच्चय तो क्या रह गया, फिर रिक्त रह गया, यानी फाइव, एम्प्टी सेट। ऐसी कोई संख्या नहीं मिली हमें जो दो से बड़ी हो, ठीक है, और अभाज्य भी हो साथ में सम भी हो। अब देखिए डी, डी समुच्चय के अवयव क्या है, डी समुच्चय के अवयव देखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और इसमें डी समुच्चय के जो अवयव हैं वो राइट कर दें। डी समुच्चय के अवयव हैं एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर चार, एक्स स्क्वायर बराबर चार, एक्स बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस दो, क्योंकि दो का स्क्वायर भी चार होता है और माइनस दो का स्क्वायर भी चार होता है, ठीक है, एक्स के दो मान आ गए, प्लस दो एंड माइनस दो। बट इसने कहा एक्स विषम है, बट ये विषम वैल्यू तो नहीं है, ये विषम तो नहीं है ना, एक्स की जो वैल्यू है वो विषम नहीं है, इसने कहा विषम लेनी है। तो इसका अर्थ हमें इस समुच्चय में भी कोई अवयव नहीं मिला, ये भी क्या मिला आपको, एम्प्टी सेट मिला, यानी क्या मिला, रिक्त समुच्चय मिला। तो देखिए ये उदाहरण है रिक्त समुच्चय के, ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, क्लियर है, पता चला कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है, आप उसके अवयव ज्ञात करने लगे और आप देखें कि हमें एक भी अवयव नहीं मिल रहा है समुच्चय की कंडीशन के अनुसार। ये समुच्चय दिए गए किसमें, कौन से रूप में, ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक भी अवयव इन समुच्चयों में नहीं मिला, यानी ये सभी समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या शून्य है, ठीक है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनमें क्या है, जीरो है। तो ये समुच्चय कौन से हैं, ये रिक्त समुच्चय हैं। जैसे कोई अवयव है, कोई समुच्चय है ए, ए बराबर है एक दो तीन चार, तो इसमें कितने अवयव हैं, चार अवयव है। कैसे व्यक्त करेंगे समुच्चय में अवयवों की संख्या को, किस तरह से व्यक्त करते हैं, इस तरह से दर्शाया जाता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। इसका अर्थ क्या है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स मीन अवयव, अवयवों की संख्या कौन से सेट में, इन ए, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितने हैं, काउंट करके रखो, वन टू थ्री फोर, चार अवयव हैं, क्लियर। अगर आपको कहा जाए ये समुच्चय ए है, इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट, तो आप देखोगे कि इसमें हमें एक भी अवयव नहीं मिला था, इसमें हमें एक भी अवयव नहीं मिला था, मीन नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसमें जीरो है। तो मीन रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। बी समुच्चय जो था, बी समुच्चय जो था, देखिए बी समुच्चय में भी अभी हमें एक भी अवयव नहीं मिला था। अगर आपको कहा जाए कि बी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या बी में कितनी, जीरो, बी समुच्चय में भी एक भी अवयव नहीं मिला। सी समुच्चय में देखो, सी समुच्चय भी एम्प्टी है, खाली है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू जीरो, मीन सी समुच्चय में भी अवयवों की संख्या कितनी है, जीरो है। यहाँ फिर देखिए इस समुच्चय डी में, डी में अवयवों की संख्या कितनी है, डी में हमें एक भी अवयव नहीं मिला था, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट डी वो भी क्या है, शून्य, मीन एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो वो कौन सा होता है, रिक्त समुच्चय होता है, क्लियर। तो बोर्ड से आप ये एग्जांपल राइट कर सकते हो। अब देखिए ये तो थे उदाहरण किसके, रिक्त समुच्चय के, अभी हम एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, अभी एक बार एग्जांपल देख रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। अब देखिए परिमित और अपरिमित समुच्चय, नाम से ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है, परिमित जिसमें अवयवों की संख्या जो है परिमित हो, और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो क्या हो, अपरिमित हो, अनंत अवयव हो, ठीक है, अनकाउंटेबल हो, तो वो अपरिमित समुच्चय होते हैं। फाइनाइट सेट मीन परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स मीन अपरिमित समुच्चय। तो देखिए
उदाहरण देखते हैं कुछ, कौन सा समुच्चय अपरिमित है, कौन सा अपरिमित है, अवयवों की संख्या से ही क्लियर होगा वो। तो देखिए एक समुच्चय दे रखा है W। W क्या है? W सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। आपको पता है W सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं पता है हमें, कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, इस ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, क्लियर है ना? इसके बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे। तो कितने अवयव है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 7 है। मीन आप कह सकते हो नंबर्स ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन W इज इक्वल टू 7। W समुच्चय में अवयवों की संख्या 7 है। तो क्लियर है ना, अवयवों की संख्या परिमित है, तो ये कौन सा समुच्चय हुआ? ये हुआ परिमित समुच्चय, ये हुआ परिमित समुच्चय। अब देखिए दूसरा कौन सा, S इज इक्वल टू क्या है? एक समुच्चय है जिसके अवयव है x। x की वैल्यू कहां से फाइंड करोगे? यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो S समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो इससे x का मान निकालिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 16, 16। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, बिकॉज 4 का स्क्वायर भी 16 होता है एंड माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। नाउ इसमें दो अवयव हैं माइनस 4 एंड 4। तो S समुच्चय जो है, S समुच्चय इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट S, दो अवयव है, क्लियर? संख्या क्या है? परिमित, अनंत अवयव नहीं है। तो ये समुच्चय कौन सा हुआ? परिमित समुच्चय हुआ। अब देखिए जी, जी समुच्चय में अवयवों की संख्या देखते हैं कितनी है। जी समुच्चय में अवयवों की संख्या, जी क्या है? किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। यस, यहां क्लियर होता है कि ये तो हम बता भी नहीं सकते कितने बिंदु हैं एक रेखा पर, कितने बिंदु मिलेंगे आपको एक रेखा पर, कितने बिंदु ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक है? बिंदुओं को अगर नाम देने लगे P1, P2, P3, ठीक है, पॉइंट्स को नेम देने लगे, ये रेखा सरल रेखा दोनों तरफ जाती है, कितने बिंदु? बहुत बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। कहां काउंट करें हम, किस किस को नेम दे? तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन जी, जी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? अनंत है। कितनी है? अनंत। इसमें अनंत अवयव है, इसका अर्थ ये कौन सा समुच्चय है? ये है अपरिमित समुच्चय। तो बच्चे लोग हमने अभी देखा है रिक्त समुच्चय कौन सा होता है, इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, ठीक है? हमने इन सभी एग्जाम्पल्स में देखा कि इनमें हमें इन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं मिला, सब खाली रह गए, सब खाली रह गए। मीन इसमें अवयवों की संख्या निकली 0 सब में। तो इट मीन ये सभी रिक्त समुच्चय थे। उसके बाद परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है? फाइनाइट नाम से क्लियर, नेम से क्लियर है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट इनमें अवयवों की संख्या क्या हो जिसमें फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, कि काउंट कर सके कि इतने अवयव हैं, वो तो क्या होता है? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो क्या हो? इनफाइनाइट हो, वो कौन सा होता है? अपरिमित समुच्चय। जैसे ये जी समुच्चय जो है, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होते हैं। तो इसका अर्थ ये कौन सा समुच्चय हुआ? अपरिमित समुच्चय। तो अब आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार, उससे पहले आप, मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं रिक्त समुच्चय और परिमित और अपरिमित समुच्चय की, एक बार सेल्फ अपने आप ट्राई करके देखो। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर कौन कौन से, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 में, ठीक है, ये रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ट्राई करके देखिए, फिर आगे वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके क्वेश्चन राइट है या नहीं।